प्रदेश के सिंचाई व यांत्रिक मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद, चौरी चौरा के विधायक संगीता यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, DDO डॉक्टर बब्बन उपाध्याय, SPCT विनय कुमार सिंह, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 24 फरवरी को गोरखपुर में किसान मोर्चा के होने वाले सम्मेलन और रैली में प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई तथा विधायकों को रैली की सफलता की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी मंत्री ने दावा किया कि रैली में 12 लाख किसान शामिल होंगे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, तो आपको पता है वो क्या नाम किया था, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। राजेश निशान जिला मामला नहीं आने पाए। शुरू करते हैं एक बार अंजिम सदर सदर आवाज़ देखिए। लक्ष्य अभी आप लोगों के साथ हर विधानसभा का लक्ष्य अलग अलग तय करें, उच्च स्तर पर बात हुई थी तो हमारी आज 24 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ गोरखपुर में आ रहे हैं। सभी माननीय विधायक उपस्थित थे और संगठन के समन्वय समिति के थे। तो गोरखपुर महानगर और जिले से 9 विधानसभाओं से 1.5 लाख की संख्या निश्चित की गई है। सभी माननीय विधायक संगठन लगकर मोदी जी को सुनने के लिए लोग आवेंगे और बड़ा उत्साह है लोगों में इस मोदी जी के आगमन को लेकर। तो निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम होगा। इस संबंध में मैंने अधिकारियों के साथ और अपने माननीय विधायक और संगठन के साथ वार्ता की। सर कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण? हाँ, कुछ परियोजनाएं जो पूर्ण हो गई हैं उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। और बहुत अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल में आने का लाभ किसानों को विशेष मिलेगा। यहाँ किसान जो हमारा किसान मोर्चा है, भारतीय अखिल भारतीय किसान मोर्चा, उसका भी एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आ रहा है। गैस पाइपलाइन भी 9000 करोड़ का है और ये किसान सम्मान 9000 करोड़ का योजना शिलान्यास है। 9000 करोड़ का गैस पाइपलाइन, ये 9000 करोड़ रुपए का गैस पाइपलाइन का शिलान्यास है और लोग इसको करेंगे। माननीय किसान सम्मान निधि योजना की लॉन्चिंग, हाँ, किसान सम्मान निधि का भी लॉन्चिंग यहाँ होगा। जो किसान के 3 महीने का जो खाते में रुपया देने की बात है वो यहीं से शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में। ये बहुत शुभ संकेत है। किसान रैली, हाँ, किसान रैली इसी के लिए की जा रही है। कराओ, ये सब किसान ही होंगे। हमने कहा कि देखिए, कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए मोदी जी ने प्रारंभ से ही किसानों पर, गाँव पर, गरीब पर, गरीब किसान, गरीब मजदूर, उत्तर प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। इसका भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विशेष ध्यान रखा है। सर, योगी सरकार ने जो बजट पेश किया, क्या कुछ खास है? ये पूरे मंडल से 12 लाख किसान इसमें हैं और मैंने ये कहा ना, भाग लेने का काम करें।